ब्लैक होल बनाने की मशीन यानी पार्टिकल कोलाइडर। दोस्तों, क्या आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? अगर हम जनरल रिलेटिविटी थ्योरी यानी सापेक्षता के सिद्धांत की माने तो ब्लैक होल इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह होती है या ऐसी खगोली वस्तु है जिसके खिंचाव से यानी प्रकाश सहित उससे कुछ भी नहीं बच सकता, यानी समूची सृष्टि भी इस एक ब्लैक होल में समा सकती है। यह एक घटना ऐसी घटना होती है जो कि अंतरिक्ष में इसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी एक मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है। आई थिंक इस बड़ी मशीन के बारे में सबने ही सुना होगा। तो यह मशीन का काम था कि ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया को दिखाना। तो आइए चलते हैं पूरी खबर की ओर। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। ऐसी ही न्यूज़ अपडेट्स की खबरों को देखने के लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई साल पहले बड़ी धूमधाम से एक मशीन को लॉन्च किया गया था। इसका नाम था लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। तो कुछ लोगों को डर था कि लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर एक ऐसा ब्लैक होल का निर्माण करेगा जिसमें समूची दुनिया ही समा जाएगी। हाइड्रॉन यानी एक ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल बनाने वाली सीन बनाई थी। तो आइए जानते हैं पूरी खबर कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट में निकला क्या और वैज्ञानिकों ने कौन कौन से पार्टिकल खोजे या फिर उन्होंने ब्लैक होल का निर्माण किया। तो दुनिया के सबसे बड़ी मशीन और सबसे महंगी मशीन जिसकी लागत करीब 10 अरब डॉलर की थी, इसने केवल 9 दिनों में अपना काम किया और 2 नए पार्टिकल्स का निर्माण भी कर डाला। अभी तक एक परमाणु को तोड़ना बहुत ही कठिन काम था जो कि इस मशीन के द्वारा किया गया। दोस्तों, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर यानी CERN लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया जो कि गहरे गड्ढे में इस मशीन का निर्माण किया गया था, जिसे कैथेड्रल आकार के डिटेक्टरों के साथ करीब 17 मील यानी 27 किलोमीटर का गोलाकार सुरंग बनाकर एक अद्वितीय उपकरण को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक शामिल थे और इसमें करीब 8,970 से अधिक भौतिक विज्ञानी इस मशीन के एक्सपेरिमेंट होने का इंतजार कर रहे थे और सब ने अपना अपना योगदान दिया था, न केवल इस मशीन के निर्माण में बल्कि कई सारी अवधारणाएं और हाइपोथेसिस बनाई थी कि जब ये एक्सपेरिमेंट रन होगा यानी ब्लैक होल अगर बनेगा तो उसमें किस तरह के पार्टिकल्स देखे जाएंगे, यानी इस प्रक्रिया को पूरा सिमुलेट करने का काम था इस मशीन का। वहीं इस एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात की घोषणा की कि उसने कई सारे ऐसे कणों की खोज की है यानी फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज की है जो कि जब भी कोई सृष्टि का निर्माण होता है तो वही ब्लॉक्स हैं जो कि सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स की खोज हुई थी, इन पार्टिकल्स को पहले कभी नहीं देखा गया था, यानी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की दुनिया की सबसे अनूठी खोज के रूप में LHC एक्सपेरिमेंट को माना जाता है। यानी 3 नए उप परमाणु कणों की खोज शायद इससे पहले कभी नहीं की गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति बनने के बाद लोग बहुत बड़े बड़े कणों के बारे में तो जानते, क्योंकि इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया था कि फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज होनी चाहिए। इसमें यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN द्वारा यह पूरा एक्सपेरिमेंट चलाया गया था। जब LHC की योजना बनाई जा रही थी तब कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि यह ब्लैक होल का निर्माण करेगा और इससे समूची दुनिया इसके खतरे में आ सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक रिसर्च पेपर साल 2000 में छपा था जिसका शीर्षक था
क्या एक प्रयोगशाला प्रयोग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? यानी CERN में एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था जिसमें निर्माण होने वाला था ब्लैक होल का। दोस्तों, साल 2012 में जिनेवा में CERN के महानिर्देशक ने इस बात की घोषणा की कि इस लार्ज हाइड्रन क्लोडन मशीन को चलाया गया जिसमें से हिग्स बोसोन कणों की खोज की गई। वही कणों के को एक साथ नष्ट करने के लिए LHC का उपयोग करना था और यह बहुत ही डरावना एक्सपेरिमेंट था जिसमें हिग्स फील्ड नामक किसी भी चीज़ का निरीक्षण करने का सबसे तेज तरीका था। यह एक सैद्धांतिक ऊर्जा क्षेत्र जो कि जिसमें सब कुछ व्याप्त है और द्रव्यमान के साथ पदार्थ को प्रभावित करता। कण हेडोर और उनकी टीम ने 2012 में ब्रिटिश भौतिक पीटर हिग्स द्वारा सैद्धांतिक गणना का मिलान भी किया गया, यानी जो पीटर हिग्स ने कहा था उसकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट भी किया गया और इसी के लिए पीटर हिग्स को नोबल फिजिक्स का पुरस्कार भी मिला। वह इस एक्सपेरिमेंट ने दो फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी खोज की जिसमें कि पेंटा क्वार्क और टेक्टा क्वार्क अणु शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी बात एक ऐसी मशीन की जिसमें कि ब्लैक होल का निर्माण हुआ, यानी ब्लैक होल बनाने वाली मशीन। अब हमें याद दीजिए। नमस्कार।